गुड मॉर्निंग एवरी वन. कॉन्टिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज द वॉयज. वॉयज का मतलब है जर्नी. तो जो सेक्शन 27 है इंडियन मैराइन इंश्योरेंस एक्ट 1963 का, वो कहता है कि जहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस चीज़ का है कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जो उसे इंश्योर किया जा रहा है, उसे एट एंड फ्रॉम और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या अदर्स है, ये चीज वहां पे मेंशन है. तो मतलब एट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जब चीजें यूज हो गई, तो मतलब वो आपका एक जर्नी के लिए स्पेसिफाई कर रहा है. तो जो पॉलिसी होगी वो पॉलिसी वॉयज पॉलिसी होगी. देन इम्प्लाइड कंडीशन क्या है एज टू कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, सेक्शन 44. इन केस ऑफ वॉयज पॉलिसी ये नेसेसरी नहीं है कि शिप उस जगह पर होनी चाहिए जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो रहा है, लेकिन इम्प्लाइड कंडीशन है कि ड्यूरिंग द एडवेंचर, मतलब ड्यूरिंग योर जर्नी जो है वो कमेंस्ड रीजनेबल टाइम में होगी. अगर जो आपका एडवेंचर है वो कमेंस्ड नहीं होता है विद इन सच टाइम, तो जो इंश्योरर है वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है और जो इम्प्लाइड कंडीशन है उसे वो नेगेटिवेट कर सकता है, मतलब उससे मना कर सकता है वो. और इसके लिए जो एश्योर्ड है उसको शो करना होगा कि जो डिले है वो किस वजह से हुआ है, वो उन सर्कमस्टांसिस में हुआ है जो सर्कमस्टांसिस नोन थे इंश्योरर को एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर जो इंश्योरर है उसने इस कंडीशन को वेव कर दिया था एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. देन आता है आपका ऑल्टरेशन ऑफ पोर्ट ऑफ डिपार्चर, सेक्शन 45. अगर एक शिप डिपार्ट कर रही है, मतलब जा रही है फ्रॉम द प्लेस अदर देन जो मेंशन्ड है पॉलिसी में, तो जो इंश्योरर है वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है. देन है सेलिंग फॉर डिफरेंट डेस्टिनेशन, सेक्शन 46. अगर जो आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वो पॉलिसी में मेंशन्ड है और जो शिप है वो सेल कर जाती है किसी और प्लेस के लिए अदर देन उस प्लेस के लिए जो मेंशन्ड है पॉलिसी में, तो जो इंश्योरर है वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है. देन चेंज ऑफ वॉयज, सेक्शन 47. अगर जो डेस्टिनेशन है शिप का वो वॉलंटरली चेंज किया गया है उस डेस्टिनेशन से जो पॉलिसी में मेंशन्ड था आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, तो उसे चेंज ऑफ वॉयज कहा जाएगा. अगर चेंज ऑफ वॉयज है तो जो इंश्योरर है वो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लायबिलिटी से उस टाइम जब जो आपने वॉयज है चेंज किया है, अगर अनलेस जो पॉलिसी में है उसमें इसके रिगार्डिंग कुछ और नहीं लिखा हुआ है. इट इज इमटीरियल कि जो शिप है उसने लेफ्ट नहीं किया है अपना कोर्स ऑफ वॉयज जो पॉलिसी में लिखा हुआ था व्हेन द लॉस अकर्स. देन नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज डेविएशन, सेक्शन 48. चेंज ऑफ रूट अगर होता है तो उसे हम डेविएशन कहते हैं. जब एक शिप डेविएट कर रही है अपने रूट से बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज के, तो जो इंश्योरर है वो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लायबिलिटी से उस डेट से, उस टाइम से जब आपने डेविएशन किया है. और इस केस में इट इज इमटीरियल कि जो शिप है अगर वो दोबारा से अपना रूट वापस ले लेती है बिफोर द लॉस अकर्ड. देयर इज डेविएशन फ्रॉम द वॉयज कंटेम्पलेटेड बाय द पॉलिसी इन द फॉलोइंग सिचुएशन. पहला, जहां पर जो कोर्स ऑफ वॉयज है वो स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड है बाय द पॉलिसी एंड फ्रॉम दैट कोर्स द शिप हैज डिपार्टेड, मतलब उस कोर्स से जो शिप है अलग हो, जो रास्ता है उसने अपना लिया, अलग रूट उसने फॉलो किया है. नेक्स्ट, जहां पर जो कोर्स ऑफ वॉयज है अगर स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड नहीं है बाय द पॉलिसी, लेकिन जो यूजुअल और कस्टमरी कोर्स है उसे फॉलो नहीं किया गया है, जो इंटेंशन है डेविएशन का वो यहाँ पर मायने नहीं रखता. जो डेविएशन है, जो डेविएशन हुआ है, सिर्फ उसके होने से ही जो इंश्योरर है वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाता है. नेक्स्ट इज योर सेवरल पोर्ट्स ऑफ डिस्चार्ज, सेक्शन 49. जो शिप है वो प्रोसीड कर सकती है किसी भी पोर्ट पर जो मेंशन है पॉलिसी में इन केस ऑफ सेवरल पोर्ट्स, लेकिन उसे उसी ऑर्डर में जाना पड़ेगा जिस ऑर्डर में पॉलिसी में मेंशन है.
in the absence of sufficient cause to the contrary. अगर वो फॉलो नहीं किया जाता तो उसे डेविएशन माना जाएगा. और जहां पर जो नेम ऑफ पोर्ट है वो मेंशन नहीं है पॉलिसी में, तो ओनली जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पोर्ट्स ऑफ डिस्चार्ज वर्ड्स मेंशन है पॉलिसी में, तो उस केस में डेविएशन तब माना जाएगा अगर जो शिप है वो जियोग्राफिकल ऑर्डर में नहीं जाती है बिना किसी सफिशिएंट कॉज के टू द कॉन्ट्रेरी. देन नेक्स्ट है आपका डिले इन वॉयज, सेक्शन 50. इन केस ऑफ वॉयज पॉलिसी जो इंश्योर्ड है, जो वो एडवेंचर कर रहा है वो उसे कैरी ऑन करना है थ्रू आउट इट्स कोर्स विद रीजनेबल डिस्पैच. अगर वो ये कैरी आउट नहीं करता है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, तो जो इंश्योरर है वो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लायबिलिटी से फ्रॉम द टाइम जब जो डिले है वो अनरीजनेबल हुआ है. देन जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सक्यूज फॉर डिले और डेविएशन, सेक्शन 51. डिले और डेविएशन इन कैरिंग ऑन वॉयज को एक्सक्यूज किया जा सकता है अगर ये चीज ऑथराइज है बाय एनी स्पेशल टर्म इन द पॉलिसी, या कॉज हुई है बाय सर्कमस्टांसेस जो मास्टर और जो एम्प्लॉयर है उसके कंट्रोल से बाहर थे उन सर्कमस्टांसेस में, या जहां पे रीजनेबली नेसेसरी था इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वारंटी, या जहां पर रीजनेबल नेसेसरी थी ये चीज फॉर द सेफ्टी ऑफ द शिप और सब्जेक्ट मैटर जो इंश्योर्ड है, या फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग ह्यूमन लाइफ एडिंग अ शिप इन डिस्ट्रेस जहां पर ह्यूमन लाइफ डेंजर में थी, और जहां पर रीजनेबली नेसेसरी था फॉर द पर्पस ऑफ एडिंग मेडिकल और सर्जिकल एड फॉर एनी पर्सन जो ऑन बोर्ड है शिप पर. देन जहां पर ये कॉज हुआ है बाय बेरेटियस कंडक्ट ऑफ द मास्टर और क्रू इफ बेरेट्री इज एन इंश्योर्ड पर्ल. बेरेट्री का मतलब होता है जहां पर फ्रॉड कोई पर्सन मास्टर या जो क्रू मेंबर है वो कर रहा है ऑन द एक्सपेंस ऑफ द ऑनर. जहां पर जो कॉज है डेविएशन का या जो डिले है वो कॉज ऑपरेट करना बंद कर देता है, तो जो शिप है उसे रिज्यूम करना है अपना कोर्स और कैरी ऑन करेगी वो वॉयज विद रीजनेबल डिस्पैच. तो ये था हमारा टॉपिक वॉयज का. नेक्स्ट जो टॉपिक है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.